नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेयोनीज सैंडविच, जो कि बहुत स्वादिष्ट, हेल्दी और आसानी से बनने वाले वेजिटेरियन सैंडविच हैं। सब्जियों और मेयोनीज से बना सैंडविच आप तीन तरह से बनाकर इसका मज़ा ले सकते हैं, कोल्ड, ग्रिल्ड और तवा सैंडविच। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने शिमला मिर्च ले ली हरी वाली और उसका डंठल और बीज हटा दिए और फिर उसको बारीक बारीक काट लेंगे। शिमला मिर्च में विटामिन B6, K, A और E होता है और हरी शिमला मिर्च में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आँखों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। शिमला मिर्च स्वाद को भी बहुत अच्छा बढ़ा देती है। इसका एक कुरकुरापन रहता है ग्रीन वाली शिमला मिर्च का, जो कि क्रंचीनेस लाता है हर बाइट में। इसके बाद हम लेंगे लाल वाली शिमला मिर्च, इसके भी डंठल और बीज हटा देंगे और उसे भी महीन महीन तीन चौथाई शिमला मिर्च को काट लेंगे। लाल शिमला मिर्च में हल्की सी मिठास होती है और सबसे ज़्यादा लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो अलग अलग शिमला मिर्च में पाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लाल वाली शिमला मिर्च में ही होते हैं और ये एक हल्का सा स्वीटनेस हमारे सैंडविच को प्रोवाइड करेगी, जो उसको और टेस्टी बना देगा। और अब हम ले लेंगे येल्लो वाला शिमला मिर्च, उसका भी डंठल और बीज हटा के 3/4 शिमला मिर्च को बारीक बारीक काटना है। और पीले शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है और ये आर्टरीज को बहुत हेल्दी रखने में मदद करती है। तो इस तरीके से तीनों ही शिमला मिर्च रंग भी लाती हैं हमारी डिशेज़ में और हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके काफ़ी हैं। तो हमने तीनों तरीके की शिमला मिर्च काट ली और अब हम लेंगे खीरा। खीरा, जैसा कि हमें मालूम है, इसकी तासीर ठंडी होती है और ये डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो खीरे को भी हमने बारीक बारीक काट लिया और उसको भी हम इस सैंडविच में शामिल कर देंगे। अब बारी आती है गाजर की। गर्मियों में नारंगी रंग की गाजर मिलती है। नारंगी गाजर लाल गाजर से भी ज़्यादा हेल्दी है, हार्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है और ये पोटाशियम और सोडियम से भरपूर है और ब्लड प्रेशर को भी बहुत कंट्रोल में रखती है। अब आता है टमाटर, जो कि स्वाद को बहुत बढ़ा देगा सैंडविच में और इसका रंग भी बहुत अच्छा कर देता है रेसिपीज़ को और ये स्वाद के साथ साथ ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। टमाटर कैंसर का खतरा कम करता है और सन की अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है। अब हम इन सारी चीज़ें जो हमने काट ली हैं महीन महीन, इनको एक बाउल में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यदि आप चाहें तो इसमें महीन महीन काट के हरी मिर्च डाल सकते हैं और लाल मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिला लेने के बाद इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी धनिया, उससे बहुत ताजगी आ जाती है सैंडविच में। अब मैं डाल रही हूँ 5 टेबलस्पून मेयोनीज। मैंने एगलेस मेयोनीज ली है, हम बिल्कुल वेजिटेरियन सैंडविच बना रहे हैं। मेयोनीज को सब्जियों में अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है ये सैंडविच और बहुत हेल्दी भी है। अब ब्रेड स्लाइसेस लिए और उनके किनारे हम हटा देंगे और उसके बाद ब्रेड स्लाइस के ऊपर वाले एक तरफ हम एक साइड पे बटर लगा लेंगे। तो दोनों ब्रेड के एक एक साइड पे हम बटर लगा लेंगे। उसके बाद जिस साइड पे बटर लगाया हुआ है उस साइड पे हम मेयोनीज का जो स्टफिंग है, जो हमें तैयार की है, उसको डालेंगे और उसको उस पूरे ब्रेड की स्लाइस के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे और फिर उसका सेकंड स्लाइस उसके ऊपर डाला, जो कि बटर की साइड फिर से हमने अंदर रखी और फिर उसको ट्रायंगल शेप में काट लीजिए या स्क्वायर शेप में काट लीजिए, जैसा भी आपको पसंद हो। और ये देखिए, हमारा कोल्ड वेज मेयोनीज सैंडविच तैयार हो चुका है, जो कि बहुत आसानी से बन गया। अब हम इसी प्रिपरेशन से एक और सैंडविच बना लेंगे और इस बार हम उसको टोस्टर में ग्रिल करेंगे। तो इसी सैंडविच को मैंने टोस्टर पर रख दिया, 3 मिनट के लिए ग्रिल करा और मेरा ग्रिल्ड वेज मेयोनीज सैंडविच तैयार हो गया। बिल्कुल सेम प्रिपरेशन रखी। अब आती है बारी तवा में बनाने की। तो इसमें हम हल्का सा चेंज कर रहे हैं, इसमें हमने हल्की सी हरी चटनी, ग्रीन चटनी जो होती है, वो हमने स्लाइसेस के ऊपर लगाई और उसके बाद जो स्टफिंग है उसको हमने इसमें फैला लिया ब्रेड के स्लाइस के ऊपर।
चटनी के ऊपर हमने इसको रखा और फिर से उसको बंद कर दिया चटनी की साइड अंदर रखते हुए। स्लाइस के ऊपर ब्रेड हमने के जो स्लाइस थी उसके ऊपर हमने मक्खन स्प्रेड किया और इसको इस तरीके से तवे पे रखा कि मक्खन वाली साइड जो है वो नीचे तवे पे टच कर रही है और जो ऊपर की स्लाइस है अब उस पर भी हम हल्का सा बटर अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अंदर बटर ना लगा के इसमें ऊपर और नीचे बटर लगाया और अंदर हमने इसमें लगाई चटनी, तो इसका टेस्ट एक अलग ही हो गया। चटनी के साथ मेयोनीज का सैंडविच बन गया ये और बहुत ही स्वादिष्ट ये भी बहुत लगता है। तो अब हमारा तवा सैंडविच वेज मेयोनीज का तैयार हो गया। सॉस के साथ खाइए या ऐसे भी आप खा सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्रीन चटनी भी लगी हुई है। तो यदि रेसिपी अच्छी लगी तो मेरा चैनल प्रभा की रसोई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई रेसिपीज मिलती रहें। धन्यवाद।